यहाँ पे कोई हालात ख़राब वगैरह तो नहीं हुए? नहीं नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त को वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलर फ्राड टूथ पे। तो ये जो पीछे वाला एरिया ना, ये जब आप उधर से आते हैं तो ये वाला एरिया केएल का, तो यहाँ पे आप रात रुक सकते हैं। यहाँ पे होटल हैं। करम भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आप उधर से होके वापस आ रहे हैं? हाँ जी। रात थे उधर? हाँ जी। ये हो गया कैसा? अच्छा। कितनी देर लगेगी? कितनी देर जाते हुए लगेगी? ट्रैकिंग है आपसे तो सवा घंटे लगते, सवा घंटे की ट्रैकिंग है, पौने घंटे की ट्रैकिंग है। पौने? हाँ जी भाई। कितने की स्टिक है ये? 30 रुपये रेंट पे देते हैं। 30 रुपये रेंट पे? वापस भी फिर ले लेते हैं 30 रुपये? पक्की पक्की चाहिए हो तो? पक्की नहीं देते। क्यों यार, आपके एरिया में से की कोई का तो दे दे। पक्की पक्की दोनों के 50 दे दे। चलें जी, अभी नहीं पैसे है, वापस पहले दें भाई। पैसे पैसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में दे पैसे। तो वो आ रही है जी लिफ्ट। तो ये तो काफ़ी जनाब लंबा गैप और काफ़ी लंबा रास्ता है। वो सामने आ रही है जी, कितनी छोटी सी लग रही है दूर से। तो ये रास्ता आपने यहाँ से ऊपर जाके उधर लिफ्ट में बैठना है। केएल से निकलते ही थोड़ा ऊपर आना है और ऊपर आते ही ये रास्ता बना हुआ है लिफ्ट का। और ये काफ़ी मतलब इस पहाड़ से आपने उस पहाड़ को, उस पहाड़ के ऊपर जाना है और दरमियान में दरिया है, तो खतरनाक सीन है। अभी देखते हैं जाके बैठते हैं क्या होता है। कुछ दोस्त रात को वहाँ पे ठहरे हुए थे और वो अभी वापस आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पे पहले स्टिक लेके जाएं, क्योंकि थोड़ी सी हाइकिंग वगैरह है तकरीबन आधे घंटे की, तो वो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है। तो यहाँ पे रश है क्योंकि यहाँ से काफ़ी दोस्त वहाँ जाने वाले और काफ़ी लंबी अब क्या रहता है, जाना भी है वापस? नहीं, जाना तो है, लाइन काफ़ी लंबी है। एक लिफ्ट है, मजे की बात यह है कि एक लिफ्ट और इतनी आवाम को वहाँ पे छोड़ेगी और वहाँ से इधर ले। अच्छा, एक ही है? एक ही है, वही इधर को आ रही है वही उधर को जा रही है। वो देखिए, एक टाइम पे जी 8 से 9 बंदे बैठ सकते हैं इसमें। ओ, सामने जो ऊपर गाँव है वहाँ पे जाना है। ये लोकेशन नज़र आ रही है, यहाँ से वो ऊपर घर नज़र आ रहे हैं। और यह हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, इस वक्त हम लोग लगे हुए हैं लाइन में। और यहाँ पे हमें हमारे सब्सक्राइबर, हमारे भाई, हमारे एरिया के अस्सलाम वालेकुम मिल गए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? मेरा नाम शरजीत खान है। आपका नाम भाई? खुर्शीद। कामरान अकमल। और कामरान अकमल हमारी चलें जी, चलें। हमारी आ गई है जी बारी अभी बैठने की। हम 5 लोग हैं। और कितने की एक बंदे की टिकट है? क्या आने जाने की? एक बंदे का सही हो गया फिर, क्लियर। चलें जी, 1000 रुपया हम लोग ने दे दिया है भाई को। ओके जी, ठीक है ठीक है। अभी चेयर लिफ्ट गई है उस साइड पे और इन्होंने ये जो तार है इसके साथ ने, ये सामने अंदर आपको नज़र आ रहा है कुछ बांधा हुआ है कि जब चेयर लिफ्ट आपकी उधर जाए तो वो वाली जो तार के ऊपर बांधी हुई है ना, वो यहाँ पे आ जाए, तो मतलब के पता चल जाए कि चेयर लिफ्ट जो है ना वो उधर उस वाले स्टैंड में पहुँच गई है। अभी हमारी बारी आ गई, हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे उधर से चेयर लिफ्ट इधर आएगी हम लोग बैठेंगे। बाकी 8 बंदे जो है ना इस चेयर लिफ्ट में बैठ के उधर से आते भी हैं और इधर से जाते भी हैं। ये जी जो तार के साथ इन्होंने बांधा हुआ है ना फुल टैप, ये उधर जा रहा है। अभी चेयर लिफ्ट जो है ना वो इधर आ रही है, वो देखें वो सामने। जैसे ही वो फूल जो है ना तार वाला वो क्रॉस करेगा तो चेयर लिफ्ट जो है ना वो दरमियान में पहुंच जाए। ये देखें, अभी हमारी बारी आ गई है जी, हम लोग बैठे हैं। कार कह सकते हैं जो भी कहते हैं है, लेकिन ये है कि इधर से बंदे उधर लेके जा रही है, उधर से इधर ले जा रही है। चेयर लिफ्ट या केबल कार? चलें जी आप, छोटी टैक्सी। ध्यान से बैठे को बंदा मिस नहीं होना चाहिए। चलो 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 भाई, चलो चलो ठीक हो गया। साधु आए 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 करम भाई, आ जा जान वीडियो करो। ओए हाय, चल पड़ी चल पड़ी। तो कह ना कहते वाओ, सारा तो बनवा सकता। ओए ओए
जी हम पहुंच गए हैं। कैसा यहाँ जी, आप उधर से दो मिनट में यहाँ पे आ गए जी। यहाँ पे पहुंचे हैं और आगे ये सारी लाइन लगी हुई है। यहाँ से भी नहीं नहीं, ये वापसी वाले बंदे हैं। हाँ हाँ, ये वापसी जाने वाले भी उसी तरह लाइन में लगे हुए हैं। तो खैर, हम लोग अभी वापसी तो नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। अभी ऑलमोस्ट इधर से 45 मिनट्स की हाइकिंग है। 45 मिनट्स की। चले, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ भाई? गर्मी है ऊपर, गर्मी है नीचे, दरिया पे पहाड़। हमने क्या करना है, घर लेके जाने? हाय अल्लाह जी, पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। अच्छा, गरीब तबाह, गरीब तबाह। दो दो दिन स्टे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ऊपर? ऊपर उनका दिमाग खराब है, उनके घर में जगह नहीं मिल रही। और जो दो तीन दिन करते ना, वो शादी शुदा है। अच्छा, भी तेरी ठीक है, ठीक है, आपका दुख हम समझ गए। ऊपर पहुंच जाऊँ, सुबह निकला हूँ, वापस आ गया यार। कोई नहीं ब्रो, बंदा सुरदा, डिग्रेड नहीं होना, डिग्रेड बंदा आप सुरदा सर। इधर इधर लाइन में रहना, अपनी लाइन में, लाइन क्रॉस नहीं करनी भाई। एक भाई हमारे ना ऊपर से आए हैं, तो वो कह रहे थे यार क्या करने ऊपर जाके, ये पहाड़ ही हैं सारे। तो हमें तो पता ये है सारे पहाड़ ही हैं, लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे। मौसम अच्छा, ये तो ट्रैक बना हुआ है ना। कैमरे की आंख आपको देख रही है, कूड़ा फेंकने वाले को जुर्माना किया जाएगा पाक आर्मी। ये अच्छी बात है, ये यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह, यूज मी। एक यहाँ पे है, और इसी तरह ये सारा जो पैदल सफर है ना, पैदल ट्रैक साथ साथ रखी हुई है, ताकि इस तरह के जो भाई हैं ना, जब सफर करके थक जाएं, पानी शानी पिए, तो बातल जो है ना वो यहाँ पे इसमें फेंकें। उसके अलावा भी कचरा वगैरह जो है ना पहाड़ों पर ना हो, ये तो अच्छी बात है। हमारी टीम सांस फूली हुई है और बैठने की जगह तलाश कर रही है। ये देखें, उतर के 20 मिनट का सफ़र हमने तय कर लिया। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एकदम ऊपर चढ़ाई है, लेकिन साथ फैमिलियां भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। ऊपर खूबसूरत जगह, ग्राउंड टाइप है, तो बाकी ऊपर जाकर आपको सारी बात जो है बताएँगे इंशाल्लाह। जिम करम भाई, यस, अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ जी, पसीना निकलना चाहिए, पानी पिए 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 पानी। कमान गाइस, कमान, हड़िया, हिम्मत नहीं हारनी। शाबाश शाबाश, दरख्तों को पकड़ के, दरख्तों को पकड़ के हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया। वैसे वो जो भाई उधर से आ रहे हैं ना, सही ट्रैक वो है, लेकिन थोड़ा मजा लेने के लिए। डॉक्टर भाई नीचे रह गए आप। ये बच्चा ऊपर से आ रहा है भाई के साथ, ऊपर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, लेकिन मजा कैसे ले रहा है ये देखे। उधर बर्फ तो नहीं है, छोटा सा बच्चा भी साथ लेके आए हुए नहीं है, मैं बताता हूँ। लेकिन भाई ध्यान से जाना आपने, ठीक है? बीस मिनट लगे हैं हमें ऊपर आते हुए, और माशाल्लाह ये है जी केल की वो जगह जहाँ पे लोग आते हैं रहने के लिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ पे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अपर वगैरह नहीं पहन सकते दिन के वक्त। बाकी अभी दिन ब दिन वेदर जो है ना वो बेहतर होता जा रहा है। रात को यहाँ पर जो है ना वो मौसम अच्छा हो जाता है, सर्द हो जाता है। और ये थोड़ी लोकेशन पहाड़ों के ऊपर, ऐसे उन्होंने मैदान जो है ना वो बना दिया है। बाकी लोग यहाँ पे आ रहे हैं फैमिली के साथ, और हमारे जो करम भाई है वो थोड़ा पीछे रह गए, दोस्त हमारे कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से करेंगे नाश्ता, उसके बाद जो भी प्लान होगा वो इंशाल्लाह करेंगे आपसे शेयर। नाश्ता हम लोग नीचे से नहीं करके आए थे, तो हमने यहाँ पे ना आमलेट और पराठा खाया माशाल्लाह, वो भी मज़े का था। और यहाँ पर अभी ना मसर और चावल हैं, तो माशाल्लाह ये भी मज़े के हैं भाई। बस आंदा है नाश्ता,
चावल तो यहाँ पे पसंद है ही है, आप जानते ही हैं। चाय आ गई है माशाल्लाह, यहाँ पे मौसम जो है ठंडा था। सही है वैसे, इतनी जगह 100 तो हम भी चाय। 5 चाय, 2 हमने खाई हैं चावल और मसर। एक चीज और हम कर लेंगे, यहाँ पे दाल चावल की जो फुल प्लेट है वो आम अमूमन जो प्लेट होती है उससे बड़ी थी, मानेंगे ना आप जी। और एक और बात भी है, जो मसूर की दाल है वो चने की दाल से भी महंगी है, उसका भी थोड़ा है, बाकी मजे की थी। लेकिन 4 से 5 पराठे, 2 से 3 आमलेट, हाँ जी, और 5 चाय और 2 दाल चावल और 1100 रुपया मेरे ख्याल से तो मुनासिब है इस लोकेशन पे। बंदे भी तो 5 है ना, बंदे भी 5 है, पेट भर के हमने खाना खाया। आपको अभी चाय चल रही है, कौन सी चीज मजे की लगी है सर? जी सर, चाय मजे की है। चाय मजे की, चावल कैसे थे? गुजारा था सही हो गया जी भाई, सब ठीक लगा है, बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी आपको खाना मिलना बहुत बेहतर बात है। ऐसे ही है, तो वाकई माशाल्लाह मुझे भी सारी चीज़ें मज़े की लगी हैं। चाय अभी चटनी की, 1100 में हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया और पेट भर के साथ ही हमने लंच भी कर लिया। वाकई यार चाय मज़े की है माशाल्लाह। असल में ना पहले पेट पूजा फिर काम जो है वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। जैसे आपने ऊपर आना वो सामने होटल है, वहाँ से आपने नाश्ता करना है। और नाश्ता करने के बाद ये जो ट्रैक है ना, यहाँ से आप अगर आगे जाना चाहें उधर तो जा सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये देखे साइड पे मकई छलियाँ जिसे हम बोलते हैं वो है। उसके अलावा ये छोटे छोटे इन्होंने गेस्ट हाउस कैंपिंग भी यहाँ पे की हुई है कुछ भाई ने। ये देखे जी माशाल्लाह, कैंपिंग करने के लिए माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी जगह है। बाकी यहाँ से लेकर वो सारे वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी प्यारी जगह है। तो आप लोग यहाँ पे आए, अगर बर्फ़बारी हो रही तो उसमें फिर और मज़ा आएगा माशाल्लाह। तो अभी रात को यहाँ पर हो जाएगी सर्दी अच्छी खासी, तो गर्म कपड़े यहाँ आके आप पहन सकते हैं। बाकी पीछे आप मतलब पीछे सारे सफ़र में मुजफ्फराबाद में कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की। वाह यार ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्रीनरी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग ना बीमदानी एरिया में आ गए हैं। आगे ऐसी जगह ना कहीं पे नीचे जा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ नीचे भी काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं रहने के लिए जगह है, और मकामी लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो बाहर से आए हुए हैं वही रह रहे हैं। तो अभी हम लोग यही इरादा रखते हैं, वो सामने बड़ी प्यारी लोकेशन है वहाँ पे अगर जाया जाए ना, तो वहाँ से ये सारा व्यू जो है ना मैं आपको चेक करवाऊँ। जब बंदा उधर से आता है ना तो बंदे को कैसे होता है कि मेरे पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अच्छी जगह है ऐसी, आपकी सांस जब आप उतर जाएगी तो फिर जो है ना आपको अच्छा फील जो है ना वह होना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को यहाँ पे इन दिनों में ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये साथ में जा रहा है नाला पानी का, ये ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से पानी गुजरने के लिए। ये इन्होंने 2 दरख्त काट के ना उनके ऊपर छोटे छोटे फट्टे जो है ना वो लगा दिए, ये देखें। तो ये अगला जो व्यू है ना यहाँ से, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये देखे जी, ये जो घास है ना इन्होंने काट लिया और ये छोटी छोटी गठियां बना दी हैं, और ये स्टोर की जा रही हैं बर्फ़बारी के लिए। जब बर्फ़बारी होगी तो ये जानवरों को डाल ली जाएंगी। तो ऊपर घास है तो यहाँ से इन्होंने काट दिया है, मकामी लोग काट रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर फैमिली के साथ लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर आएँ, रिलैक्स करें। बड़ी अच्छी लोकेशन है और बड़ी अच्छी जगह है माशाल्लाह। फैमिली के साथ आएँ कोई मसला नहीं, 2 से 3 दिन आप यहाँ पे रुकें, आपको मज़ा आएगा। आगे दरख्त हैं और पहाड़ है, यहाँ से ये सारे व्यू है बस सामने ये। एक था केल और एक है अड़ंग केल, अभी हमें समझ नहीं आ रही ये कौन सी जगह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या कर रहे हैं? घास काट रहे हैं। तो ये वाली जगह ये कौन सी है? ये अड़ंग केल है।
ये डंकेल है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से इंडियन बॉर्डर कहाँ पे है? तो सामने के ऊपर गली नजर आ रही है। अच्छा, ये पहाड़ के ऊपर? पहाड़ के बैक साइड। अच्छा, पहाड़ के बैक साइड पे ये बॉर्डर ही हो गया ना? बॉर्डर ही है ना, मतलब ये आखिरी गांव कह सकते हैं इस साइड पे। जा सकते नहीं जा सकते? ठीक हो गया। छलियां लगी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे, और साथ साथ जो है ना काम भी हो रहा है, होटल बन रहे हैं यहाँ पे, गेस्ट हाउस बन रहे हैं। ये देखें, ये सामने ये सारा लकड़ का काम हो रहा है जिधर। माशाल्लाह जी, ये देखें यहाँ पे ये मस्जिद है। टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम लोग घूम के ना सारे उधर अभी जा रहे हैं नीचे। तो नीचे एक तो आप जल्दी चले जाएंगे, और दूसरा ये है कि आपने एहतियात से जाना है, कहीं गिर वीर ना जाएं। तो ज़रा जाते हुए बंदा थोड़ी स्पीड से जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? पहुँच गए। टेंशन नहीं लेनी, अच्छी जगह है यार ऊपर। एक सेल्फी ला ली है। आए जी आए, करम भाई तो सारी हाइकिंग भी चप्पल पे की है, चप्पल में ही। और यहाँ पे शूज पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गर्मी है, ऊपर भी गर्मी है। दिन रात को थोड़ी सी सर्दी यहाँ पे होगी, वैसे दिन में जो है ना नॉर्मल मौसम है। गर्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आप उतर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं आना, ठीक है? इतनी तेज में बाहर के आया हूँ। वापसी नीचे पहुंचे हैं, तो ये देखें जी, वो लिफ्ट है वहाँ पे, वहाँ से ये दूर तक। तो यहाँ पे भी आपने लाइन में लगना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। मेरे सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है, मैं इतना नहीं पता, मैं रोन लग रहा किसी को नहीं चाहता। अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और वापसी पे लाइन पे खड़े हैं, और यहाँ पे ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, हर बंदे ने अपनी कारागरी खा ली है। जिसके पास पेंसिल है ना, उसने कोई ना कोई लिखा हुआ है यार। अड़ंगकेल से हम लोग आ चुके हैं जी वापस। काफ़ी रास्ता हमने तय कर लिया, जो ख़राब था ना, वो तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब जो है ना वो ख़राब रास्ता है। यहाँ से आप जा रहे हैं अगर अड़ंगकेल, तो 50 किलोमीटर रास्ता जो है वो टूटा हुआ है, उधर से भी आते हुए इधर से भी। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है 5 के, हम लोग वहाँ से 3 बजे के करीब जो है ना निकले थे। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएँगे मुजफ़्फ़राबाद। हमने तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र किया है, तो गंदा रास्ता था ना। खाना खाते हैं तो फिर इंशाल्लाह मुजफ़्फ़राबाद पहुँचते हैं। ये देखें जी, ये सामने जो फ्लैग है, ये हमारा जो हमसाया मुल्क है ना इंडिया, ये देखें जी इसका फ्लैग है, और ये मकबूज़ा कश्मीर है। वो नीचे इंडियन लोग हैं, और इंडियन आर्मी जो है ना वो इधर ऊपर, वो चेक पोस्टें बनी हुई हैं जी, वो ऊपर हैं। यहाँ से जी बिल्कुल नज़दीक है वो सामने इंडिया फ्लैग, और हमारी आर्मी जो है ना वो ऊपर होती है। नीलम वैली अड़ंगकेल जाते हुए रास्ते में जब आप मुजफ़्फ़राबाद से निकलेंगे, तो साथ ये सीन आपको देखने को मिलेगा, और माशाल्लाह बड़ा
क्लोज हैं यहाँ से हम लोग ना। ये देखिए इंडियन लोग जो है ना वो नीचे पानी जो है ना वो भर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए जी, ये कुछ दोस्त वहाँ पे खेल भी रहे हैं। उसी तरह के लोग उधर हैं जिस तरह के हम हैं, उसी तरह के लोग उधर हैं। तो बस ये हमारी जो हुकूमत है उन्होंने रफ्फर डाला हुआ है, बाकी वो भी माशाल्लाह एरिया प्यारा है और हमारा एरिया भी प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, किधर से आ रहे हैं हम? नीलम वैली से आ रहे हैं वैसे। अच्छा, सही हो गया। तो यहाँ पे ये सारा इंडिया है? ये सारा इंडिया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे कोई हालात ख़राब वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। ये लोग भी उसी तरह नीचे काम अपना कर रहे हैं, ये बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। ऐसे ही उनके लिए रोज क्या, रोज क्या, लेकिन यहाँ से नज़दीक है कोई ऐसा मसला? बिल्कुल, यहाँ से जी सही माशाल्लाह नज़र आ रहा है, वो ऊपर से उनका रास्ता है और माशाल्लाह नीचे इन्होंने कोई फसल वगैरह काश्त की हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ से मुझे चावल की फसल ही लग रही है। बाकी ये सामने ब्रिज है जी, एक पहले खुला था लेकिन अब बंद है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये वाला ब्रिज, ये पहले खुला हुआ होता था लेकिन अभी आजकल बंद है। लेकिन वहाँ के भी लोग जो है ना घूमने के लिए आए हुए हैं, उनके भी विजिटर वगैरह यहाँ पे। ये देखें वो सामने, ये देखें, हमारे कुछ दोस्त यहाँ से ना आवाज़ लगा के उनसे पूछ रहे हैं। हाँ जी ये जो सारा एरिया ना ये है जी मकबूज़ा कश्मीर का। तो यहाँ से वो पीछे एक ब्रिज है, ये पहले खुला हुआ होता था। बाकी वहाँ पे भी लोग आए हैं घूमने के लिए हमारी तरह, और यहाँ पे हमारे मुकामी लोग भी आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। देखें तो यहाँ से हम ऊपर हैं, वो थोड़ा नीचे है, यही है बस। बाकी लोग सेम इसी तरह के हैं। यहाँ के मकामी लोग जो उनके जाने के लिए वो ब्रिज बना हुआ था, वो ब्रिज बना हुआ है क्योंकि वो जो है ना उनके रिश्तेदार वगैरह उधर होते हैं तो उनको इजाज़त थी। लेकिन अभी आजकल किसी को ना इधर आने की ना उधर जाने की। दस बज के 35 मिनट हो चुके हैं जी, रात के 2 बजे हम लोग निकले थे अड़नखेल से। तो यहाँ पे जनाब मरी में हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी 10:35 हुए हैं, खाना खाया। तो अभी हमारा इरादा है कि आगे इस्लामाबाद में जाकर रुका जाए, तो सफ़र हमारा जारी है। तो अभी इंशाल्लाह इस्लामाबाद चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुँच गए इस्लामाबाद, रूम हमने ले लिया। तकरीबन 400 किलोमीटर जो है ना हमने सफ़र किया, वो भी एक दिन में। वहाँ से अड़नखेल से हम लोग निकले थे 2 बजे के करीब करीब, इस्लामाबाद में हम लोग पहुँच गए हैं 12 बजे, रात के 12 बजे। तो खैर आप लोगों ने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।